पक्ष में मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। रंगों के इस त्यौहार पर सभी क्षेत्रवासियों के जीवन में इसी तरीके से खुशहाली आए और हमेशा हम लोग मिलकर इस होली के पर्व को धूमधाम से मनाएं, यही मैं बाबा बागनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। और आने वाले वर्षों में और यह जो होली का पर्व है, जिस तरीके से आज युवा इसमें जुड़ रहा है, आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से होली और बड़े रूप में मनाया जाए, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, मेरे को 72 साल हो गए हैं, मैं कम से कम 5 साल से आते रहता हूँ ये बागनाथ मंदिर में। ये चतुर्दशी ये बागनाथ मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ पर बमराड़ी की होली जांगण में मिलती है, बमराड़ी से ऊपर कितने गांव के जांगण में मिलते हैं, और कचूरा धुरपाट की होली चफलिया में मिलती है। यहाँ पर बागेश्वर जो तिवारी जी दुकान पीपल का पेड़ है वहाँ पर मिलती है, उन पर हमारा मिलन होता है। यहाँ पर इस मिलन के लिए होली का आयोजन होता है और बागनाथ से हम आशीर्वाद लेके जाते हैं, अगले साल फिर आएंगे करके। कितने गाँव की होली यहाँ पे आती है? ये कम से कम जो है ये 5-10 करीब 20 गाँव की होली है। वहाँ कचूर हुआ, वहाँ मल्ला कचूर से आते हैं, बमराड़ी को मल्ला कचूर कहते हैं। तो बमराड़ी की होली का मिलन जो है जांगण में होता है, हम जांगण में इनको 1-2 बजे खड़े रहते हैं, और यहाँ कचूर वाले झुरपाट वाले जो है पीपल के पेड़ के यहाँ पर खड़े रहते हैं इनका चौक बाजार में। और हमारा ये मैं 72 साल मेरे को हो गए, 67 साल से मैं देख रहे आ रहा हूँ कि यही गति हमारे है। यहाँ पर 2 होली होती हैं, और 2 होली होने के बाद अगर उनकी इच्छा तो ज़्यादा होती है, 2 होली के बाद हम आशीर्वाद लेते हैं बागनाथ जी से, भी हम चले जाते हैं घर को। करना चाहूँगा कि इस होली की ऐतिहासिक कुमाऊनी जो कुमाऊँ की होली है उसकी ऐतिहासिकता की यदि बात करें तो वैसे तो होली का यदि हम देखें तो नारद पुराण से इसका शुभारंभ मिलता आरंभ मिलता है, लेकिन कुमाऊँ में चंद्रवंशी शासकों के आगमन के समय में तब से यहाँ कुमाऊनी होली की परंपरा दिखाई देती है, और बाद में विभिन्न प्रांतों से जैसे जैसे लोग यहाँ आते गए तो इसमें स्थान भिन्नता और भाषाई विभिन्नता यहाँ दिखाई देने लगी। और इस कुमाऊँ की जो होली है कुमाऊनी खड़ी होली, ये हमारी एकादशी जो फाल्गुन माह की एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, उस पर उससे गीले रंगों का इसमें प्रयोग होता है, और उससे पहले पूस मास के जो रविवार होता है वहाँ से बैठक होली यहाँ प्रारंभ हो जाती है, लेकिन गीले रंगों का प्रयोग वर्जित रहता है, और इस एकादशी से गीले रंगों का प्रयोग इसमें हो जाता है। लगातार 3 दिन तक होलियाँ गाँवों में अपने अपने घरों में, लोग गाँवों में प्रत्येक घर घर जाकर होली का गायन करते हैं, कुमाऊनी खड़ी होली का गायन करते हैं, और चतुर्दशी के दिन होलियाँ यहाँ बागनाथ भगवान के मंदिर में भगवान शंकर को होली सुनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसमें हम देखें तो एक महराड़ फाट कहा जाता है जिसके अंतर्गत गांव आते हैं, चामी, कोयराली, भेड़ी, सात, रदबे, गुनाकोट, मजबे, इधर डोबा, धारी, जौलकांडे, और दूसरी तरफ से स्टेशन मार्ग है वहाँ रवाईखाल, बमराड़ी, खोली, बहुली, जांगण, ये गांवों की होलियाँ मिलकर आती हैं, और दोनों का समागम होता है पीपल चौक के पास। एक तीसरी होली आरे से भी आती थी, वो आजकल
कुछ कतिपय कारणों से उनका आगमन सुबह प्रातः जल्दी हो जाता है, वरना तीनों खामू की कहना चाहिए उसको, वो होलियाँ यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ आकर भगवान शंकर के सम्मुख ढोलक बजाया जाता है। एक परंपरा है कि ढोल जो होली में बजता है वो यहाँ शंकर भगवान के सम्मुख बजाने के बाद ही होली की पूर्णता मानी जाती है और भगवान शंकर को होली सुनाई जाती है। और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो कुमाऊनी होली है इसकी एक विशिष्टता ये है कि हमारे यहाँ जो एक अपने से छोटे जो उम्र के लोग होते हैं उनको आशीष दिया जाता है, लेकिन कुमाऊनी होली की ये विशिष्टता है कि यहाँ हम भगवान को भी आशीष देते हैं। भगवान को आशीष देने की अनोखी परंपरा केवल इस कुमाऊनी होली के अंदर ही प्राप्त होती है, अन्यत्र ऐसा देखने और सुनने में नहीं मिलता, और ये इसकी एक विशालता है और कहना चाहिए कि इसकी विशिष्टता है। और इसी प्रकार से सतराली की होलियाँ भी ये कहा जाता है कि पहले यहाँ आती थी, और हालांकि अभी भी वो जो शिवरात्रि है उस दिन यहाँ पर आते हैं और यहीं से अपने होलियों का आगाज़ करते हैं और तत्पश्चात वो अपने गाँव में होली का की परंपरा को यथावत चला रहे हैं। हालांकि दूरी दूर होने के कारण शायद वो चतुर्दशी को यहाँ नहीं आ पाते हैं, वरना पहले जो था जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि वो यहीं पर आकर अपनी होलियों का चतुर्दशी को यहीं पर आते थे। प्राचीन समय से जब से होलियाँ चली हैं तो बुजुर्गों के समय से एक रिवाज है, रीति है कि बागेश्वर में बागनाथ जी के मंदिर में होलियाँ आती हैं। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि होली चतुर्दशी के दिन यहाँ पर आती है। चतुर्दशी मुख्य रूप से शिवजी की तिथि मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ इस दिन यहाँ आने से अति प्रसन्न होते हैं। तो बुजुर्गों के समय से ये जो होली आती है ये लगातार आज तक चली आ रही है वो प्रथा। तो जो व्यक्ति जीवित रहता है या मान के चलो कि जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।